लाइजोजोम्स यूकेरियोटिक सेल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाली हैं जो यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं द वर्ड इज फ्रॉम कटिंग ब्रेक डाउन और सप्लेटिंग सोम्स इज डिराइव द वर्ड सोमा विच मीन्स बॉडीज सो लाइजोजोम ऐसे हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स में पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन और उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ लाइजोजोम्स Did was the scientist who first time discovered the lysosomes in eukaryotic cells in 1949? Let's see the structure of lysosomes. Lysosomes are single membrane bound organelle found in the cytoplasm of eukaryotic cells. These are spherical vesicles that hold a variety of enzymes inside. किसी यूकेरियोटिक सेल्स में जब लाइजोजोम्स को ऑब्जर्व करें तो हमें सफेरिकल और राउंड शेप वेजिकल्स की फॉर्म में ये मिलते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनके इनसाइड पे पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ओरिजिन या फॉर्मेशन की बात करें तो लाइजोजोम की मेमब्रेन और इनके अंदर मौजूद एंजाइम्स की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है जहां से रॉ मटेरियल की फॉर्म में इनको गोल्जी बॉडीज में लाया जाता है गोल्जी बॉडीज मॉडिफिकेशन करके और इनको फंक्शनल फॉर्म में यहां से सेल में एक्सक्रीट कर देते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं लेट सी द फंक्शन ऑफ लाइजोजोम लाइजोजोम स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एसिड एनजा लायसोसोम्स के अंदर मौजूद एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट वर्क करते हैं दैट्स व्हाई कि वो डाइजेशन में और फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस नंबर टू दे इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया यूनिसेलुलर लेवल पर अगर प्रोटोजोन्स की बात करें तो अमेबा के अंदर फूड की इंट्रा डाइजेशन होती है अमेबा फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं एंड देन लाइजोजोम्स अपने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर माइक्रोफेजिस और वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें हम फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस इन सेल्स में एंटर होता है लाइजोजोम्स उनके साथ खुद को अटैच कर लेते हैं देन उनमें अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और ये स्ट्रोंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे छुट छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं लाइजोजोम ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ डेड और डिसफंक्शनल ऑर्गेनालिज ऑफ द सेल सेल के अंदर अगर कुछ ऑर्गेनालिज डिस्फंक्शनल हो जाए तो लाइजोजोम उनको सेल के अंदर से रिमूव करने में हेल्प करते हैं दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव द वार्न आउट और डेड सेल्स जब सेल्स एजिड हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं तो उनको रिमूव करने में भी लाइजोजोम करते हैं लाइजोजोम ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंटल स्टेजेस हेयर मींस के एम्ब्रियो से लेके एडल्ट बनने तक के दरमियान जो स्टेजेस हैं उनको डेवलपमेंटल स्टेजेस बोलते हैं और लाइजोजोम्स इन डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी हेल्प करते हैं मोड ऑफ एक्शन देखें तो अ लाइजोजोम फ्यूज विद द वेक्यूल दैट कॉन्टेंस द टारगेटेड मटीरियल एंड इट्स एन ब्रेक डाउन द मटीरियल कुछ ऑर्गेनालिफंक्शनल हो जाते हैं या वो सेल एज्ड हो जाता है या डेड सेल होता है तो उसको रिमूव करने में भी लाइजोजोम्स हेल्प करते हैं किस तरह से हेल्प करते हैं लाइजोजोम्स उन सेल्स के साथ फ्यूज होकर अपनी मेम्ब्रेन को रेप्चर कर लेते हैं और उनके अंदर मौजूद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सेल में सिक्रीट कर देते हैं जैसे वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ऑर्गेनालिस को या कंप्लीट सेल को खा जाते हैं के इसके लिए एक दूसरी टर्म भी यूज की जाती है दैट इज ऑटोफेगी और सेल्फ ईटिंग इस तरीके से वार्न आउट सेल्स डेड सेल्स और एज सेल्स को रिमूव करने में लाइसोजोम्स हेल्प करते हैं